मैंने तो वीडियो देखा कि मेरे घर के आस पास है, अभी तक मेरे को देखा नहीं। जीपीएस से बुलेट हो रहा उसमें डाल तो इंतजार कर रही हूं। तुम देख देखा मेरे को तो ऑर्डर है। मेरे घर के सामने इतनी बड़ी नर्सरी है, वो तो पूरा चले के जैसी है। हां वही ना, झाड़ियों में पेपर में भी तो आया था सतना के शहर वासी संदर्भ साथ था। एंगो खा जाएगा सर, आ जाएगा सामने आने का क्लोज टाइम। अब भाई तो नहीं ना पाएंगे। ठीक बुलेट होना में देखा गया आज, देखना है बोले दिखा नहीं पकड़ा गया अभी हमला कर दिया था एक रेस्क्यू टीम। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, वीडियो मैंने देखा हम लोग के पास भी है वीडियो। येलो रंग की टीशर्ट पहन थे आज। हां ब्लर है लेकिन हम कार से मैंने ये सब देखा। और एक और किसी घर के नीचे घूम रहा है वो आगे से डाला था। हां वो भी उससे पकड़े तो नहीं जा रहा है, वो भाग रहा है, रात में निकलता है। अब जाओ देख मेरे जीत ये सच्चा देखिए कितना बड़ा है तो देख लीजिए। सर को पता है कि बड़ा ही होता है। डिविडेंड मतलब होता है शेयर होल्डर का प्रॉफिट।
कितना माइनस हो गया 15,000, बचा कितना? ये हमको क्या मिल गया जो चाहिए था, क्या चाहिए था? नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड देने के बाद, आफ्टर मतलब बाद, हमको टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था 1,15,000। लोग टैक्स की चोरी क्यों करते हैं समझो ना, क्यों करते हैं? आपने कमाया 1,15,000 प्रॉफिट, सबसे पहले आपको ब्याज देना पड़ा, 15,000 ब्याज चला गया, अब बचा 1,00,000। अब पता चला 50% गवर्नमेंट टैक्स मांग रही है, 50,000 गवर्नमेंट ले गई, बचा कितना 50। उसके बाद जो पार्टनर है वो अपना प्रॉफिट मांग रहे हैं, तो पार्टनर को आपने कितना दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को 10%, 15,000 बचा कितना? प्रेफरेंस शेयर को ही डिविडेंड मिलता, कितना बचा? ये आ गया। इसके बाद हमको क्या निकालना है, ध्यान देना, दूसरा आइटम क्या चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसमें हम जोड़ेंगे इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। इक्विटी शेयर कितने के बताओ? 2,50,000 और रिजर्व एंड सरप्लस कितना है? टोटल कितना हो गया? 3,00,000 हो गया। अब दोनों आइटम मिल गए, फर्स्ट और ये सेकंड, फॉर्मूले में रख दो। इक्विटी शेयर होल्डर फंड फॉर्मूले में प्रॉफिट है 35,000 और ये 3,00,000 इनटू 100 क्या आएगा, 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 कर दिया। अब 3 से कट करो, 3 बन जाए 3, फिर अपना 3 बन जाए 3 बचा 2, 6 से 18, फिर 2 बचा फिर 3 बचा 11.67%, 6.66% आएगा, तो 6.7 कर दिया, 6.6 लिख लो तो भी चलेगा। फिर से बोल रहा हूँ, हमको निकालना था इक्विटी शेयर को कितने परसेंट प्रॉफिट मिला, ये बताओ। इसका फॉर्मूला क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, ये कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड, यानी नेट प्रॉफिट वो जिसमें इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड तीनों माइनस हो गए। अब हमको जो प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, कौन सा दिया है? नेट प्रॉफिट बिफोर, क्वेश्चन में चेक करो, बिफोर लिखा है, बिफोर है तो पहले हमने वो रखा, सबसे पहले हम क्या माइनस करेंगे, इंटरेस्ट, उसमें 15,000 लिखा है, फिर टैक्स माइनस करेंगे, टैक्स लिखा था 50%, हमने वो माइनस किया, फिर लिखा था डिविडेंड, डिविडेंड किसको मिलता है, प्रेफरेंस शेयर, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है, 1,50,000 का प्रेफरेंस शेयर है 10% वाला, तो ये हमने कितना माइनस किया, 10%, 1,50,000 का 10% कितना आएगा, 15,000, वो माइनस किया तो बचा कितना, 35,000। ये क्या है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड, आफ्टर मतलब इंटरेस्ट देने के बाद, टैक्स देने के बाद, डिविडेंड देने के बाद क्या बचा। अरे तुम्हारे पापा बोले कि मेरे पास अब 2,000 रुपये बचा है आफ्टर फीस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, इंश्योरेंस एंड अदर एक्सपेंस, इसके बाद बचा, तो क्या वो फादर की एक्चुअल इनकम है क्या? नो, ये सब देने के बाद पापा कितना 50,000 रुपए लेके आए, तो 50,000 का 50,000 उनका प्रॉफिट नहीं है, तो 50,000 का सेविंग बाकी सारे खर्चा करने के बाद जो बचेगा ना वो उनका एक्चुअल प्रॉफिट। घर का खर्चा निकाल दिया, तुम्हारी फीस निकाल दी, ट्यूशन की फीस निकाल दी, पेट्रोल का महीने का खर्चा निकाल दिया, घर का खर्चा निकाल दिया, बचा क्या? आखिरी में सुन बैठे सन्नाटा, बात समझ में आई? यहाँ भी जो प्रॉफिट तो हुआ ना 1,15,000, पर एक्चुअल में सब कुछ देने के बाद कितना बचा? शार्प टाइम देखती हूँ, अगर शार्प टाइम देखोगे तो जितने लोग आते हैं करोड़पति, जितने वो बैठे 5-6 साल, उसमें से एक को छोड़ दी, नाम मैं नहीं बोलूंगा, बाकी 4 घाटे में चले, एक को छोड़ के 4 घाटे में है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में क्या दिख रहा है, दे हैव द वेल्थ, प्रॉपर्टी है, पर बिजनेस लॉस है, तो बिजनेस चल कैसे रहा है,
किसी इन्वेस्टर ने उस बिजनेस में पैसे लगा रखे हैं किस होप में आगे जाके ये बड़ा होगा तो ज्यादा पैसे आएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ जियो, जियो 2016 में आया पर स्टार्ट होगा तो 2010 से, अंबानी ने 2010 से जियो में पैसा लगाना शुरू कर दिया, 2,00,000 करोड़ रुपए उसने लगाया, 1.6 लाख करोड़ के आसपास लगाता गया सिर्फ पैसा, इनकम जीरो, 2016 फ्री, 17 फ्री, 18 फ्री में चल रहा था, लोग फ्री में यूज कर रहे थे। इम्पोर्टेंट क्या था, ग्रैब द कस्टमर, उसने 34 करोड़ लोगों को जियो की सिम पकड़ा दी। जब उसने पहले क्या लगाया, 99 रुपीज का चार्ज लगाया, साल भर का 99 रुपीज लगेगा, तब हुआ क्या 5-6 करोड़ लोगों ने सिम तोड़ के फेंक, फिर भी उसके बाद 28 करोड़ लोग थे। अगले साल उसने क्या कर दिया, 299 की जगह आज 666 रुपए का लोग डेली से रिचार्ज कराते हैं और सिम रखे हो, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है, ग्रैब द कस्टमर। तो जब अभी एक कंपनी चल रही होती है स्टार्टिंग में तो वो लॉस पे होती है, लेकिन रूटीन में होने पर कस्टमर बढ़ता है तो प्रॉफिट भी चलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 नंबर में आओ, क्या करना है 11 में बताओ, 11 नंबर में क्या निकालना है, सबसे पहले क्या है, कैलकुलेट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, पहले वो निकालते हैं, चलो रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, इक्विटी शेयर होल्डर फंड में हमने कहीं प्रेफरेंस शेयर को लिखा नहीं, ये क्या बोल रहा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय यानी बिजनेस में टोटल जितनी पूंजी लगी, इक्विटी शेयर की प्रेफरेंस शेयर, ये सब मिलाकर कितना फायदा हो ये बताओ, ये बता रहा है कि इक्विटी शेयर होल्डर को कितने परसेंट का फायदा हुआ, 11.6, ये बताएगा टोटल बिजनेस को कितना फायदा होगा, ऐसे निकलेगा प्रेफरेंस शेयर को कितना फायदा होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपना इंडिविजुअल प्रॉफिट जानना चाहता है। तो ये कैपिटल एम्प्लॉय मतलब टोटल कितना जितना बिजनेस में पैसा लगा हो उसके हिसाब से कितनी इनकम आ रही है। अब टोटल पैसे का मतलब फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो तुम्हारे घर में चार लोग हैं, चार मान लो चार मेंबर हैं, चारों मेंबर ने मिला के बिजनेस में पैसा लगाया और बिजनेस चलाया, उससे जो टोटल प्रॉफिट आया वो क्या कहलाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल, क्योंकि टोटल कैपिटल। अब मान लो उसे बोला जाए कि रिटर्न ऑन फादर कैपिटल, हम क्या निकालेंगे, फादर का कितना, यहाँ फादर की जगह वर्ड क्या यूज हुआ, इक्विटी शेयर कैपिटल, ऐसे निकलेगा रिटर्न ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अलग अलग भी कितना कमाया। चलो देखो क्या लिखा, पहले क्या लिखा, इसका एक पार्ट, कैपिटल के दो पार्ट हुए, इक्विटी और प्रेफरेंस, तो इक्विटी का यहाँ निकाला, यहाँ दोनों का निकलेगा, इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का साथ, देखो कैसे फॉर्मूला क्या है इसका, नेट प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंटरेस्ट, टैक्स टैक्स इंटरेस्ट एंड डिविडेंड अपॉन क्या है, कैपिटल एम्प्लॉय इनटू, अब पहले ये नहीं कर देख लो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है क्या, क्वेश्चन में चेक करो दिया हुआ है क्या, ये हमको निकालने की जरूरत नहीं है मालूम है। अब हमको दूसरा क्या निकालना है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला देखो क्या लिखा था लिस्ट में, सर
ये भी फॉर्मूला होता है, इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व फंड सरप्लस, वो था फिक्स्ड एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल से करेक्ट एसेट्स, वो भी निकालेगा वो भी एक तरीका। मैंने यहाँ लिखा इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर प्लस रिजर्व फंड सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लोन या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी माइनस एसेट। अब इक्विटी शेयर कितना बताओ, इक्विटी शेयर कितना है 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस कितना लिखा हुआ है 6 लाख, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है क्या देखो सर, लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं वही कितना, हाँ वही लॉन्ग टर्म बोल रहे हैं 16 लाख। और फिक्टिशियस एसेट्स लिखा है क्या मिसलेनियस एसेट्स के नाम से, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडर राइटिंग कमीशन, ये दो लिखे हुए देखो सबसे लास्ट में, सबसे नॉन करेंट एसेट्स लिखा है, ये आ गई चीज से 1 लाख प्लस 1 लाख, कितना होगा टोटल 26 लाख माइनस 2 लाख दोनों आइटम मिल गए, फॉर्मूले में रख दो कितना होगा, आंसर चेक करो कितना आ रहा है। दूसरा क्या निकालना है देखो, रिटर्न ऑन टोटल ये क्या बता रहा है, जितना तुमने प्रॉपर्टी बनाई है उसके कंपैरिजन में कितना प्रॉफिट कमा रहा है, ये क्या बता रहा है, जितना पैसा हमने लगाया था उसके कंपैरिजन में 50% प्रॉफिट देते हैं, टोटल प्रॉफिट कितना था 50%, मेरी बात समझना। इस क्वेश्चन में क्या बता रहा था, इक्विटी शेयर वाले कितने परसेंट कमा रहे, 11% लगभग 11.67। अभी इसमें कौन कौन जुड़ा है, इक्विटी भी जुड़ा है, प्रेफरेंस भी जुड़ा है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी जुड़ा है, यानी जो बैंक से कर्जा लिया उससे भी तो कमाए हो, कर्ज लेके काहे में लगाया बिजनेस में, उससे टोटल मिला के 50% की कमाई है, इसमें अभी इंटरेस्ट घट जाएगा वो कमाई कम हो जाएगी, प्रेफरेंस शेयर वाला अपनी कमाई ले जाएगा, इक्विटी वाला अपनी कमाई ले जाएगा। अब आते हैं टोटल एसेट्स जो तुमने कमाया, टोटल एसेट्स के बेस पे तुमको कंपैरिजन करना है कि हम जो सामान खरीद मतलब प्रॉपर्टी हम बना रहे हैं उसका कितने परसेंट यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, फॉर्मूला क्या है इसका बताओ, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन टोटल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑन टोटल एसेट्स। अब ये तो आपको मालूम है 12 लाख, ये तो तुमको मालूम है ना 12 लाख टोटल एसेट्स कितनी है तुम्हारे, टोटल एसेट्स कैसे निकलेगी बताओ, टोटल एसेट्स बताओ, टोटल मतलब करंट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स पूरा जोड़ लो, टोटल एसेट्स कितने की थी 28 है, ध्यान देना टोटल एसेट माइनस फिक्टिशियस एसेट, वो एसेट है जो एसेट नहीं होते, तो समझो मेरी बात, फिक्टिशियस एसेट वो एसेट है जो एक्चुअल में एसेट नहीं है, वो भी बता देते हैं। मैंने आपको एक बार एग्जांपल दिया था याद होगा, चाहे 11th में दिया था कि गोल मार्क पिक्चर में लास्ट सीन में बंदा बोलता है कि मेरे को 3 पिक्चर के लिए साइन किया, कैसे निकाल दो, इसका मतलब क्या समझो, सामने वाले बंदे को बोला गया सीन में क्या आता है कि उसको बोलते हैं गूंगे का बोल करता है तो बोलता होता तो है नहीं, इसको भगा देंगे क्यों, वो रोज तो है नहीं फालतू को पैसा देता है, वो क्या बोलता है तुरंत मेरे को 3 पिक्चर के लिए साइन किया, पैसे कैसे निकाल दो,
अब मेरी बात यहाँ समझना, उसका यहाँ से क्या लेना है? ध्यान से समझना, उसको तीन पिक्चर का मान लेते हैं एग्जाम्पल, उसको 3 करोड़ रुपए दिया फॉर एग्जाम्पल एडवांस, ठीक है। कंपनी के बैलेंस शीट में जो 3 करोड़ रुपए है, क्या वो 3 करोड़ का पूरा खर्चे के रूप में प्रॉफिट एंड लॉस में लिख देंगे? नहीं। क्यों? 3 करोड़ में से 1 पिक्चर अभी कंप्लीट हुई है, तो 1 करोड़ कहाँ लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। और 2 करोड़ कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में। मान लो उस एक्टर को कुछ हो गया या उसके फाइल फिल्म करने से मना कर दिया, वो 2 करोड़ रुपये उसके पास हमारी प्रॉपर्टी है, वो हमको वापस मिलेगी। तो उसको क्या मानते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स। एसेट्स की तरह मानते हैं, एसेट्स है नहीं। एसेट्स में कन्वर्ट कब होगी? जब वो काम करने से मना कर दे। और मान लो दूसरी पिक्चर उसने कर ली, तो उस 2 करोड़ में से 1 करोड़ निकालेंगे और कहाँ शो कर देंगे? सेकंड पिक्चर की प्रॉफिट एंड लॉस में। अभी भी कितना बचा है? 1 करोड़। वो एसेट्स है जिसको एसेट माना जाता है पर एसेट होती। तो यहाँ तुम्हारी टोटल एसेट कितने की थी? 28 लाख। देखो एसेट वाले कॉलम का टोटल देखो कितना है, 28 लाख रुपए है। इसमें से तुम्हारा फिक्टिशियस कितना है? 2 लाख। देखो नहीं देखो अदर नॉन करंट एसेट 2 लाख रुपए लिखा है, जिसके बगल में 2 नंबर पॉइंट लिखा हुआ है। 2 नंबर पॉइंट पीछे लिखा है देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अंडर राइटिंग कमीशन। ये दो ऐसे 2 लाख ऊपर वाला के नीचे वाला कमर का जो है ना, अरे नीचे वाला जो सी नंबर पॉइंट है जिसका 2 नंबर पॉइंट बताया है। अरे ये निकाल यार, ये पास में ही लिख सकते, इतना दूर लिखते हैं वे ना, दे दो लाख। तो 2 लाख रुपए क्या है तुम्हारे? फिक्टिशियस एसेट। तो टोटल तुम्हारी एसेट कितनी हुई? 26 लाख। और ये तुम्हारे पास ऑलरेडी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना हो, क्या आंसर आएगा? ये कितना था प्रॉफिट? 12 लाख रुपए। और ये कितना था? 26 लाख। टोटल पूरी एसेट्स है ना, वो टोटल एसेट्स कितनी थी? 28 लाख एसेट चार्ज का टोटल। उसमें से नॉन करंट या नॉन या फिक्टिशियस एसेट्स को तुमने माइनस कर दिया, ये तुम्हारी एक्चुअल एसेट्स। अब इसको सॉल्व कर दो, 50 कट गए या 50 कट गए? 6 13। तो 600 / 13 करो, कितना परसेंट आ रहा है? इसका परसेंटेज निकालो, 46.15। ये 2 पॉइंट सॉल्व हुए। उसको फोटो खींचे ग्रुप में डालो, इधर उसका मिटाऊं उधर नहीं मिटाऊं। सर आपने आदि भी दे दिया, जो आपका फोटो मिले जिसने मैं लिखी थी उसकी यार फोटो बहुत अच्छे मैंने करके मैंने तो मुझे बड़े ज्यादा सर तो मुझे जाओ ना सर बिल्कुल अच्छे फोटो नहीं आते हो गया? अब मेरी बात ध्यान से समझना, थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट क्या बोला है इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ, क्या निकालने को बोला है? ध्यान देना, पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड, ठीक है, रिटर्न ऑन शेयर होल्डर फंड।
यहाँ क्या था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था। कैपिटल एम्प्लॉयड में देखो क्या क्या तुमने जोड़ा था, इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म लोन यानी बैंक लोन और डिबेंचर दोनों जोड़ दिए, ठीक है ना, और सब चीजें इसको माइनस किया। मेरी बात आप ध्यान से समझना। अब क्या हो रहा है, शेयर होल्डर फंड, यानी हमको किससे केवल मतलब है, शेयर होल्डर, हमको बैंक लोन और डिबेंचर से मतलब नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, देखो बताओ, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, केवल दो चीज घटानी है। डिविडेंड क्यों नहीं घटाया, देखो डिविडेंड क्यों नहीं घटाया, समझना मेरी बात। डिविडेंड किसको देते हैं, प्रेफरेंस शेयर, हम इसमें प्रेफरेंस शेयर को इंक्लूड करते हैं, शेयर होल्डर फंड में प्रेफरेंस शेयर होता है, इसलिए प्रेफरेंस शेयर का प्रॉफिट माइनस नहीं हो रहा। अब तुमको जो प्रॉफिट दिया वो कौन सा दिया है, देखो अपॉन क्या है, शेयर होल्डर फंड, हाँ तो लिखा है ना बिफोर बिफोर डिविडेंड, डिविडेंड अभी माइनस नहीं करना। अब हमको प्रॉफिट कौन सा दिया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमको निकालना है, दिया क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कितना दिया है 12 लाख। अब बताओ इंटरेस्ट कितना हो रहा है, डिबेंचर कितने की है और बैंक लोन कितने का, चेक करो या इंटरेस्ट कितना है लिखा होगा, देखो कहीं इंटरेस्ट का रेट दिया कहीं, टैक्स बस लिखा ना, इंटरेस्ट का रेट कितना लिखा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिखी है 16 लाख रुपए, उसका रेट कहीं नहीं लिखा, चेक करो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कहीं लिखा होगा, इंटरेस्ट का रेट कहीं लिखा है, क्योंकि शेयर प्रेफरेंस शेयर रिजर्व नॉन करेंट लायबिलिटी लॉन्ग टर्म बोरोइंग 16 लाख, अच्छा 16 लाख का वो निकालो 6% कितना है, 16 लाख का 6% निकालो, 96,000 आ रहा है, 16 लाख रुपए का, मतलब
क्या बोल रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर फंड जो इसके पहले वाला क्वेश्चन तुमने लगाया था उसमें हम फॉर्मूला क्या यूज करते थे नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर फंड इनटू अब देखो इसमें तुम क्या क्या घटा चुके हो पहले से इंटरेस्ट घटा चुके हो टैक्स घटा चुके हो केवल एक चीज क्या घटाना बाकी है डिविडेंड इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड अब हम इसमें क्या करेंगे नेट प्रॉफिट कितना आया था अब हमारा डिविडेंड कितना है प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू कितनी चेक करो प्रेफरेंस शेयर 2 लाख का कितने परसेंट लिखा है प्रेफरेंस शेयर 18% 2 लाख का 18% कितना आता है 2 लाख रुपीस का 18% माइनस करके इक्विटी शेयर होल्डर फंड यहाँ से समझना इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब ये जो तुमने लिखा इसमें से क्या गायब हो जाएगा प्रेफरेंस गायब हो जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है ध्यान देना इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस इक्विटी शेयर माइनस इक्विटी शेयर कितने का था इक्विटी शेयर 2 लाख रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी शेयर इसको माइनस करो कितना बचेगा 36,000 माइनस करेंगे थोड़ा सा 24 आएगा ना 8 में से 2 गया कितना परसेंट आ पूरी कैपिटल लगाने पे कितना प्रॉफिट होगा आपने लोन भी ले लिया इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर रिजर्व और लोन उसको लगाने के बाद जो प्रॉफिट हुआ उस पे प्रॉफिट कितने परसेंट है 50%। इसके बाद उसने बोला कि भैया काम करो इस सवाल को भूल जाओ अब 2 टुकड़े में बांटा इसमें से अगर लोन हटा दे इस प्रॉफिट में से लोन को हम एलिमिनेट कर दे तो प्रॉफिट और परसेंटेज कितना है तो लोन अगर हटेगा लोन अगर जाएगा तो अपना ब्याज भी लेके जाएगा तो फॉर्मूला क्या बना नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स बोल रहा इंटरेस्ट ऑफ टैक्स हटाओ प्रॉफिट में से क्योंकि इंटरेस्ट किसको चाहिए होता है लोन और इंटरेस्ट देने के बाद क्या पे करना पड़ता है टैक्स भी पे करना तो नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट घटाया और टैक्स घटाया तो अब इतना बचा 4,80,000 वहां कितना बच रहा था 12 लाख किसपे था टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले जब हम टैक्स और इंटरेस्ट दे दिए तो बचा हमारे पास 4,80,000 उसके बदले में हमारी इक्विटी कितनी है शेयर होल्डर कितना है इक्विटी प्रेफरेंस और रिजर्व माइनस इक्विटी लोन गायब कर दिया लोन हटा तो ये भी कितना हो गया 8 लाख तो पहले कितना था 24 लाख यानी जो प्रॉफिट में डिफरेंस आ रहा था बात को समझना प्रॉफिट था 12 लाख अब प्रॉफिट कितना हो रहा है 4,80,000 यानी लगभग आधे से भी कम तो प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा किसकी वजह से आ रहा था बैंक से तुमने लोन ले रखा था उससे कमा रहे थे अब अगर तुम प्योरली कैपिटल से कमाओगे तो कितना कमाओगे 4,80,000 कैपिटल कितनी है 8 लाख तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा 60% ये क्या बता रहा है कि अगर लोन ना लो तो ज्यादा प्रॉफिटेबल हो लोन ना ले तो ज्यादा प्रॉफिट पे लोन लेने की वजह से क्या बढ़ गया ब्याज बढ़ गया कमाया तो मैं है लेकिन कर्जे की वजह से अपना ब्याज देना पड़ गया
इसलिए प्रॉफिट डाउन हो गया परसेंटेज। देखो टोटल अमाउंट में प्रॉफिट बढ़ा है 12 लाख, लेकिन परसेंटेज के फॉर्म में प्रॉफिट घटा है। अब बोले अगर हम मान लो अपने भाई और चाचा ताऊ से पैसे ना ले, अपना पैसा प्योर लगाए, प्योर अपने बिजनेस, अपने प्रॉफिट से बिजनेस करें, तो प्योर प्रॉफिट जो हमारा इक्विटी शेयर होगा, लोन ना ले और रिश्तेदारों को पैसा भी ना ले, यानी प्रेफरेंस का भी पैसा ना ले, प्योर अपना पैसा लगाए इक्विटी। तो इक्विटी लगाने का हमारी इक्विटी कितने की है? इक्विटी हमें टोटल कितने की? 6 लाख। जो हमारा पैसा 6 लाख है, हमारा प्योर प्रॉफिट कितना है? 4,40,000। ये कैसे आया? हमने प्रॉफिट में से जो प्रेफरेंस शेयर की कमाई थी कितने परसेंट देते थे उसको? 18% वो हमने हटा दिया। प्रेफरेंस को जो हम प्रॉफिट देते थे वो भी हटा दिया। ये हमारा प्योर अमर प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा? यानी अगर हम इससे इस क्वेश्चन में क्या क्लियरिटी आ रही है, आपने प्रेफरेंस को मिलाया, प्रॉफिट डाउन हुआ 74 से 60, आपने बैंक से कर्जा लिया, प्रॉफिट डाउन हुआ, टोटल प्रॉफिट बढ़ रहा है। अकेले कर रहे थे 4,44,000 कमा रहे थे, यहाँ कर रहे थे 4,80,000 कमाने लगे, यहाँ कर रहे थे तो 12 लाख रुपए कमाने लगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉफिट का परसेंटेज डाउन। ऐसे अगर प्रेफरेंस का निकालेंगे, अगर हम प्रेफरेंस का निकालेंगे तो यहाँ से इक्विटी को ऐड कर देंगे। जैसे मैंने यहाँ प्रेफरेंस का ऐड किया ना, तो मैं इक्विटी को ऐड कर दूंगा और प्रॉफिट में कौन सा दूंगा? केवल 36,000। इक्विटी का प्रॉफिट नहीं लूंगा। अगर तुम्हारा प्रॉफिट नहीं, तुम्हारा परसेंटेज निकालना है, अगर मुझे तुम्हारे परसेंटेज निकालने हैं तो केवल तुम्हारे नंबर यूज करने पड़ेंगे ना, और मुझे क्लास का परसेंटेज निकालना है तो मुझे क्लास के सारे बच्चों के नंबर को टोटल करके डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100 करना, या मुझे 5 स्टूडेंट का परसेंटेज निकालना पड़ेगा तो टोटल स्टूडेंट से 100, 80 लोग पास हुए, 100 में 80 पास हुए, 80% रिजल्ट। लेकिन अब मैं ये पता करना चाहूँ, 80% तो पास हो गए, कितने बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास, कितने परसेंट सेकंड डिवीजन पास, कितने परसेंट थर्ड डिवीजन पास? जब मुझे फर्स्ट डिवीजन निकालना होगा तो मुझे सेकंड और थर्ड वालों को बाहर करना। ये बहुत डीप में है, इसको नोट कर लो बस। मैं ना बोलूं को पहले से बताया हुआ कौन सा क्वेश्चन आता है? बिजली से तुम खेलो, इसलिए तुमसे बिजली खेलेगी ना। मान लो बिजली जो है वो बटन का रास्ता भूल के उंगली का रास्ता पकड़ ले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ध्यान दो, फोर्थ नंबर जो छोड़ा था, क्या निकालना है? इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। बातें बंद करो ओए देवी, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला क्या है इसका? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉमन एवरेज इन्वेंटरी, फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का दूसरा नाम इनका
ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। एक बात बताइए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स होता है ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है नेट सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो उसका फॉर्मूला बताया था, नेट सेल्स माइनस नहीं बताया तो क्या है? आपको जीपी इक्वल टू नेट सेल्स माइनस तो क्या होगा? ये उठ के इधर, ये उठ के इधर। बात समझ में आई या नहीं? जीपी का फॉर्मूला क्या था? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी, तो मैंने इसको उठाया तो यहाँ किया तो प्लस में बदल गया, और इधर जिधर गया प्लस का था तो माइनस में बदल गया। फॉर्मूला क्या बना? हमारे पास क्वेश्चन में दिया क्या क्या है? नेट सेल्स दिया और जीपी दिया, उसी से फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नेट सेल्स कितना दिया? नेट सेल्स कितना दिया होगा? 75,000। और जीपी कितना दिया है? 75,000। कितना आ जाएगा? 40,000 क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ध्यान है बंदा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। अब हमको दूसरा क्या चाहिए? एवरेज इन्वेंट्री। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन टू। ओपनिंग कितना दिया? क्लोजिंग डिवाइडेड बाय टू 16,000। ये आ गया क्या? सेकेंड आइटम ये हो गया फर्स्ट आइटम। फॉर्मूले में स्टॉक टर्नओवर रेशियो बोलो या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलो, फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 40,000, एवरेज स्टॉक 8,000, आंसर इज। ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है इसीलिए तो होता है, और एक बार में दो फॉर्मूले आपसे पूछ लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, बैक टू 4 नंबर जो छोड़ा था वो क्वेश्चन यहाँ होना चाहिए। ध्यान दो क्या क्या दिया है क्वेश्चन में। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया है? 40,000। इन्वेंट्री का मतलब कितना दिया? 40,000। नेक्स्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना दिया? 8 times। गुड्स एट द प्रॉफिट ऑफ 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो प्रॉफिट है और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितने परसेंट है? 20%। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सेल। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ओए भिंडी बाजार जा। अब देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपने क्या निकाला? ये निकाला ना, ध्यान से समझना, ये निकाला आपने। और इस क्वेश्चन में क्या है? ऑलरेडी निकाल के दिया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें किसी चीज का आंसर दिया है, तो शुरुआत क्वेश्चन के आंसर से होगी। ध्यान से समझना कैसे। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ ऑन, ये फॉर्मूला। अब आपके पास इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है कहीं? नहीं दिया, करेक्ट। एवरेज इन्वेंट्री कितना दिया? कौन वन करेंगे? कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान देना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इंटू वन 40,000 इंटू ए, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया? कितना आ गया? अब हमको निकालना क्या था इस क्वेश्चन का बताओ? क्या बोला था कि प्रॉफिट बताओ कितने परसेंट? मैं पूछा है प्रॉफिट, और हमको यहाँ मिल क्या रहा है? कॉस्ट। और जो प्रॉफिट है उसके लिए रूल क्या लिखा है उसने?
वो सेल्स का 20% है, आपको दिए कॉस्ट, सेल्स नहीं मालूम आप, तो ध्यान से समझना इधर, सेल्स कैसे आती है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यस या नो, सेल्स क्या होती है, आप कोई मान लो मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 100 रुपए में, तो मैंने इसको कितने में खरीदा, वो वैल्यू प्लस मेरा प्रॉफिट जोड़ के मैं बेचूंगा ना, मान लो इस बुक को मैंने 80 रुपए में खरीदा, 20 रुपए अपना प्रॉफिट जोड़ा और 100 रुपए में मैंने बेच दिया, ठीक। तो सेल्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में हमको हमने क्या निकाल लिया है, कॉस्ट निकाल लिए, कितने परसेंट बोल रहा है कॉस्ट, कितना कॉस्ट, 3 लाख, कॉस्ट कितना बोल रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कॉस्ट कितनी, 3,20,000। अभी हमको सेल्स नहीं मालूम, सेल्स हमने क्या माना, सेल्स हमको नहीं मालूम, प्रॉफिट हमको 20% ऑफ, यही लिखा मिल रहा है ना, सेल्स का 20%। अब हमारा मैथ चलेगा, लेट सेल्स इक्वल टू एक्स, तो प्रॉफिट कितना होगा, एक्स का 20x/100। तो अब फॉर्मूले में रखो, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, सेल्स क्या थी, कॉस्ट कितनी थी, प्रॉफिट कितना था, 20,000। क्या हो जाएगा यहाँ, 100। अब मैंने क्या रखा, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट सेल्स कितना माना था, कॉस्ट हमको मालूम है, प्रॉफिट कितना निकाला, 20x/100, इसका एलसीएम लिया 100 डिवाइड बाय 1 करेंगे तो 100 आएगा, 100 के ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 20 से 20x तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 100x इक्वल, और ये 20 वाला माइनस में चला गया, एक स्टेप का जंप क्या कर रही है, अब नहीं है स्टूडेंट इट्स गेम, हमने टाइम पे पैसे क्यों, अब क्या हुआ, ये 20 वाला इधर माइनस में चला जाएगा, 80x = 80 से डिवाइड किया आ गया 4 ले, ये है मैथ की, ये क्या हो गया आपका, क्या मिल गया, ये क्या मिला, से तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इसका 20%। डन, अब ये तो वो मैथ वाला तरीका, ध्यान से ये सुन लो तो आसानी से कर लो, ध्यान से देखना इधर, ओए इधर कैसे निकालोगे समझो, अरे यार कहाँ से आया, आज क्या है,
ध्यान से समझो, अब तक आपको प्रॉफिट निकालना था, फॉर्मूला होगा प्रॉफिट का कॉस्ट अपॉन 100 माइनस रेट। माइनस हमने क्यों किया, उसका रीजन है कि जो प्रॉफिट है वो किस पे बेस्ड है, सेल्स पे बेस्ड। अगर मैं प्रॉफिट को इधर लेके जाऊंगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नहीं, लेकिन अगर हम पहले ये बोलते ना काम कोई आसान नहीं है, कठिन होते ना ये भी कठिन लग रहा है। आप चाहे ऐसे निकाले, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इसी को एसटीआर भी बोलते हैं, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आज का कोटा समाप्त। पापा।